शायद शर्लिन और मैं जाएंगे, शायद वाहिद भाई, शर्लिन और मैं जाएंगे। वकील भी रहेंगे आपसे? नहीं, वकील नहीं रहेंगे। एंड तो वो लड़की ने मुझे बताया कि राखी मैम आई एम इनोसेंट, मुझे वीज़ा देकर यहाँ बुलाया मुझे, नो डाउट उसने थोड़ी मेरी फीस भरी, घर का रेंट भरा, बट वो मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती चीज़ें करता था, धारा 376 लगी है। तो राखी मैन उसने मुझे शादी का वादा किया था, बट उसने आपसे शादी कर ली। तो उसने मुझे बताया था, राखी मैम आप उसे, मैंने उस लड़की को बताया मेरी तो शादी हो गई उसने, और ये उसको अल्लाह की कसम खाता था कि अल्लाह की कसम आई डिडंट मैरी टू, उसमें देखिए मैसेज है आई डिडंट मैरी टू राखी आई यूज्ड टू पेड, देखिए सारे मैसेज है। वो लड़की ने आज मुझे सारे मैसेज दिखाए। क्या मैसूर पुलिस की तरफ से आपको अप्रोच किया गया है, जैसे आपके कुछ उनके माँ बाप की गलती है, जब उनके माँ बाप, उनकी बहन ये सब जानते थे तो उनके माँ बाप ने क्यों नहीं बोला उनको कि राखी सावंत बहुत पॉपुलर हस्ती है बॉलीवुड की, उसके साथ मत, उसके साथ गुनाह करो, या उसको एक हिंदू लड़की को मत इस्लाम कबूल कराओ, प्यार में जबर मतलब ये इन सब चीज़ों में, और उसके साथ गुनाह मत करो अगर आप निभा नहीं सकते हो तो, क्योंकि अगर आप निभा सकते हो तो आप शादी करो, निकाह करो। बट इस्तेमाल किया मुझे, मैं उन्हें, मेरा दिल और मैं अपने आप को पूछती हूँ, धिक्कारती हूँ अपने आप को कि क्यों मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार करने लायक उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं, जस्ट बिकॉज ही इज योर हस्बैंड तो तुम उसे प्यार करती हो। राखी जी, मैसूर पुलिस की तरफ से क्या बयान दर्ज करने के लिए आपको अप्रोच किया गया या किया गया है? मुझे बुलाया तो नहीं, मुझे पता तो नहीं, बट मैं खुद कल जा रही हूँ। राखी जी, आप इतना मतलब आपने जो ये सब किया आदिल के लिए किया, आपने इस्लाम को भी किया, देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है और फिर उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दर्दनाक। आपको अपनी जो मेरे साथ भी दर्दनाक घटना होने वाली थी, मैं भी फ्रिज में जाने वाली थी, नदी में, कूड़े में, पंखे से लटकना, आदिल ने पूरे प्लान कर लिए थे, आपने देखे है मैसेज में उस लड़की को कहा है कि यू ओनली माय आई नीड वन वाइफ दैट इज यू, राखी को दिसंबर नवंबर तक तो मैं छोड़ दूंगा, उस बीच में मैं बिग बॉस में चली गई, मराठी बिग बॉस में, तो मैं बच गई। आपको क्या लगता है आपका फैसला ये कैसा था? राखी जी, ये आपसे गलती हुई? भाई आए हैं क्या? खाए भाई, बुला ले रोहित, मेरा भाई आओ, चक्कर आके गिर गई भाई, आओ।